अब हम देखिए 118 का वेट कर रहे हैं, अब देखते हैं कितने मिनट में 118 बस आती है, वही हमें लाल किला लेके जाएगी। तो हम तीनों दोनों भी ऑटो में बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं लाल किला। अरुण मेरे साथ है, अरुण बहुत ही खुश है क्योंकि वो घूमने के लिए पहली बार लाल किला जा रहे हैं। और विशाल को तो देख ही सकते हैं आप सब कितने ज़्यादा खुश हैं, क्यों विशाल? हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं लाल किला। बस देखिए गाइस, मेरे चाचा उतरे हैं, अब ऑटो वाले को पैसे दे रहे हैं, तो अब हम लाल किला जाने वाले हैं। ये देखिए पैसे दे रहे हैं, तो हम लोग लाल किला जाने वाले हैं। देखिए आप देख सकते, ये देखिए तो देखिए फाइनली हम लोग अभी रोड क्रॉस कर रहे हैं, नीचे होके पहुंचते हैं हम लोग लाल किला, आपको दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, हम लोग लाल किले में एंटर कर चुके हैं, तो यहीं पे ये दिल्ली के आन और बान शान है, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आते थे झंडा फहराने के लिए आते हैं, और ये शारजा का बना हुआ है 1964 का। तो मैं हूँ, विशाल है और अरुण है हमारे साथ, और हम लोग लाल किला घूमने आए हैं। देखिए लाल किला, बहुत ही तेज धूप निकली हुई है। चलो अंदर जाके हम लोग अभी टिकट लेंगे लाल किले की, फिर अंदर जाके दिखाते हैं। चलो ये देखिए फाइनली हम गेट में घुस चुके हैं, अब हम देखिए अब हम चेकिंग कराएंगे यहाँ पे अपनी, जैसे कि हमारे पहले दिखा दी थी। तो विशाल ने भी चेकिंग कराई है और अरुण बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। तो फाइनली हम लोग गेट के अंदर आ चुके हैं, आपको अंदर का नजारा दिखाएंगे। हम भी पर पहली बार आएंगे। और देश की शान तिरंगा भी है, आप देख सकते हैं। अब हम लाल किले के अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ पे आपको मार्केट दिखाएंगे लाल किले की। ये देखिए शानदार मार्केट है, आपको देख के खुशी होगी। यहाँ देखिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है लड़कियों की, यहाँ पे देखने के लिए, यहाँ पे लेने के लिए ज़रूर आए। ये देखिए इतनी बड़ी मार्केट है, बहुत देर में ख़त्म होगी, इतनी बड़ी मार्केट है ये। बहुत ही प्यारा लाल किले का खूबसूरत नज़ारा। हमारे साथ विशाल और अरुण, देखिए मेरे चाचा जाते हुए देख सकते हैं आप, देख सकते हैं कितने अच्छे से। देखिए यहाँ पे भगवान की तस्वीरें बिकती हैं, ये हमारे चाचा जाते हुए। तो हम आपको पूरा रास्ता दिखाएंगे लाल किला का अच्छे से। ये देखिए ये क्या आ चुका है, ये यहाँ पे लिखा हुआ ये छत्ता चौक है, तो हम आपको इसको भी दिखाते हैं। देखिए आप, आइए अब हम चलते हैं अंदर लाल किले के, इतने शानदार नज़ारे हैं और यहाँ पे इतनी डरावनी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत पुराना लाल किला है, वो दिखाने चलेंगे ताज, यहाँ पे वो बैठते थे और अपनी बातें करते थे सारी,
तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं चल के। आइए अंदर चलते हैं। फ्राइड चाहिए गाइस, तो अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं। आप देख लो पेंटिंग है, कितनी मस्त चित्रकारी है, आप देख सकते हैं। ये ट्रैक्टर भी चल रहा है यहाँ पे। देखिए विशाल और अरुण घुमाएंगे आपको पूरा लाल किला आज। क्यों विशाल? यहाँ पे शारजा बैठे करते थे, यही शारजा की रात गद्दी है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा खूबसूरत नजारा लाल किले के अंदर। क्या बोलेगा ये देखिए, पुराने जमाने के दरवाजे हैं, ये अभी बंद कर रखे हैं क्योंकि इसके अंदर बड़े पुराने जमाने की चीज भर रखी है, इसलिए बंद हो रखा है। अब हम आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। छोटा मोटा लाल किला नहीं है, बहुत बड़ा लाल किला है, इसलिए इसका नाम लाल किला रख रखा है। आप देख सकते हैं ये अभी ऐसे खड़ा है, पर यहाँ पे कुछ समय पहले पानी हुआ करता था, अभी इसलिए ये खराब है क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा है। और आप देख सकते हैं वो बात तब उसमें शारजा नहाया करते थे। ये देखिए अनार का पेड़ है, यहाँ पे अनार लगते थे जो उनकी रानियाँ शारजा को खिलाती थी। ये बहुत पुराने पेड़ है, इसे रंग महल या रंगों का महल एक विशाल कक्ष युक्त है। इसका आंतरिक भाग मूलत चित्रित था, यह मतलब कि जैसे कि जो इसका रंग था ना वो इसके चित्र के ऊपर इसे डिपेंड करा गया। अब हम इसकी गुफा के अंदर देखते हैं क्या है, आपको चलो बताते हैं इसके साथ साथ। यहाँ पे तो ताला लगा हुआ, यहाँ पे ताला लगा हुआ, हम सोच रहे थे अंदर घूमेंगे पर यहाँ पे ताला लगा हुआ। तो आप देख सकते हैं ये कमरे हैं, यहाँ पे रानी की दासियाँ रहती थी जो राजे के साथ रहती थी। अभी ये फिलहाल बंद है इसलिए हम इसे आपको अंदर से नहीं दिखा सकते। ये देखिए यहाँ पे चोरों को क्या दिखाया जाता था, ये बड़ा खतरनाक दरवाजा है, इसके अंदर हमें भी नहीं पता क्या है। एक बादशाह जागा भाई था बादशाह। ये तो मैं इस बारे में आपको बताने जाता हूँ, यह है दीवान है, खास के बारे में दीवान है, खास शाह महल के नाम से भी जाना जाता था। यह बादशाह द्वारा खास दरबारियों एवं मेहमानों से चर्चा हेतु निजी मुलाकात कक्ष के रूप में प्रयोग किया जाता था। मेहरादाबाद, तो आप देख सकते हैं कितनी मस्त चित्रकारी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बादशाह के खाने के लिए सामान भी है। ये देखिए यहाँ पे रात में लाइटें पड़ती हैं महल के ऊपर, इसलिए यहाँ पे चमकता है महल बड़ा खतरनाक। ये देखिए कितनी सारी फोकस लाइट लगी हुई है यहाँ पे, आपको हम फोकस लाइट दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे तैयारी हो रही है
फोकस लाइट को जलाने के लिए रात के लिए, इसलिए यहाँ पे जलेंगी। ये चारों तरफ लगी हुई हैं जिससे कि चारों तरफ फोकस लाइट पड़ेगी। ये देखिए मोती मस्जिद का आपको गेट दिखाते हैं जो औरंगजेब ने बनवाया था, आप देख सकते हैं। फिलहाल ये अभी बंद पड़ा है और अभी हम लोग आगे चलते हैं। ये देखिए हमारे चाचा घूम रहे हैं और कितने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे का मजा ले रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने खुश हैं। और अब हम आपको इंट्रोडक्शन कराएंगे म्यूजियम का जो लाल किले में है। अब हम चल रहे हैं आपके साथ, आप चलते रहिए। ये देखिए जफर महल है जो 1842 में बना था, जो बहादुर शाह ने बनवाया था। आपको तीन म्यूजियम दिखाएंगे, तीन म्यूजियम सारे अंदर से दिखाएंगे आपको हम। अब हम चल रहे हैं म्यूजियम की तरफ। ये देखिए मामा और मेरा भाई आया है, छोटा भाई और मामा आया है मुंबई से। आज हम जिद करिए ने लाल किला लाए हैं ब्लॉग बनाने के लिए। ये जो आपको सामने म्यूजियम दिख रहा है ये म्यूजियम है। म्यूजियम दिखाया था, अब हम आपको दूसरे म्यूजियम में ले चलते हैं। ये देखिए बादशाह की तलवार है, ये देखिए तीन तलवार रखी हुई हैं, शानदार तलवार हैं ये। अरे ये देखो तीर कमान है, और ये बताने किसके सींग हैं ये। ये बहुत पुराने जमाने के नए बादशाह के। ये देखे मेरे चाचा और मेरा बड़ा भाई नौबाद खान में एंटर होते हुए, आप देख सकते हैं। और अब हम लोग ये देखते हैं कौन सी। आपको कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और नई जगह घूमना चाहते हैं दिल्ली की, तो आप हमसे जुड़े रहें। चलिए बाय, अब हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे कल आपको। बाय।